कोई भी गांव में लड़का नहीं रह सकता था, उसको जो असम पुलिस है डायरेक्ट देखने से शूट करता था उस टाइम। अच्छा, जो मूवमेंट चल रहा था बोडोलैंड मूवमेंट जो है अब है या टोटली खत्म हो गया? अभी तो खत्म है, नहीं मतलब ऑफिशियली तो खत्म ही हो गया, अंदर अंदर कुछ है या? नमस्कार, तो मैंने आप लोगों को ये जगह दिखाई जहाँ पे मैं ठहरा हूँ पिछले दो दिन से। बेसिकली ये जो एनजीओ है MMES, जो मानस नेशनल पार्क है उसके कंजर्वेशन के लिए जो काम करते हैं, तो यहीं पे मैं ठहरा हूँ और आप लोगों को मैंने ये जगह दिखाई। आप लोगों ने जगह देखी कितनी खूबसूरत है। अभी मेरे साथ हैं रुस्तम बसमुतारी। बेसिकली रुस्तम जी यहाँ के लोकल हैं, बोरो हैं, और ये MMES के जनरल सेक्रेटरी हैं। और मतलब मैं एक लाइन में कहूं तो मानस नेशनल पार्क को बचाने में जो मतलब लोग लगे हुए हैं उनमें से प्रमुख लोगों में से एक हैं। मतलब मैंने ऐसी कहानियां सुनी कि मानस नेशनल पार्क लगभग ख़त्म हो चुका था, तो क्या क्या हुआ था, क्या क्या कहानियां हैं यहां की, और इससे जुड़ी मतलब तमाम जो चीज़ें हैं कि जंगल क्यों ज़रूरी है और यहाँ की लोकल जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली एक इंटरव्यू नहीं है, एक हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपको कई बातें जानने को मिलेंगी। आप बता रहे थे कि मानस बिल्कुल ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। हाँ जी, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो बोडो का मूवमेंट हुआ था तो उसकी वजह से मानस ख़त्म हो गया था, लेकिन यहाँ का जो लोकल लोग है वो लोग ने पूरा ख़त्म नहीं किया। बाहर से कोई कोई मतलब जो क्या बोलता है इसको स्मगलर लोग आके उनको पैसा दे के मतलब वो पोचिंग करवाया, लॉगिंग। अच्छा, जो स्मगलर थे वो बाहर से आते थे? बाहर से आते थे, और बाहर के लोग फंड करते थे। हाँ, हाँ, अच्छा, मतलब आपको जो शिकारी लोग है, लोकल का आदमी है, उसको थोड़ा पैसा देते हैं, मतलब लेबर का जैसा है वो पैसा देता है, बाद में वो लोग पूरा लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए वो बोला कि राइनो को मारो, हाँ मारो, तो राइनो को मारने के लिए इसको दिया 5,000 रुपए, और राइनो का सिंग लेके चला गया, 2,00,000 में बेच दिया। 1,000 में भी मारता था, 1,000 में मारता था उस टाइम पे। तो इतना कब की बात है ये? ये तो 2000 ये पहले का बात है, मतलब 1981 ऐसा। अच्छा, बात है ये। तो खूब शिकार होता था, खूब मतलब राइनो तो खत्म ही हो गया था, खत्म हो गया था। तो यहाँ तो राइनो का पॉपुलेशन है अभी अंदर? अभी मतलब वो काजीरंगा पोपित्रा से लाया है, वापस 2006-07 से उसको ला के रखा है, रीइंट्रोड्यूस किया है। कितने राइनो है अभी यहाँ पे? अभी 46 है। 46 टाइगर भी हैं? टाइगर है, दिखता है आप लोगों को टाइगर का भी? दिखते हैं। अच्छा, दिखते हैं। कितने टाइगर होंगे? 30 क्या? 30+ है, 30+ है, 30+ अभी इंक्रीज हो रहा है, अभी इंक्रीज हो रहा है। पहले जब हम लोग काम कर रहा था 2003 में हमारा MMES एस्टेब्लिश हुआ है 2003 13 दिसंबर में, तो 2-3 साल मतलब कुछ भी एनिमल्स नहीं मिलता था, थोड़ा सा था, लेकिन वो भूटान साइड में जरा सेफ जगह है, वहाँ पे जाके मतलब ये मानस नेशनल पार्क जो है ना बेसिकली वो इंडिया और भूटान दोनों में हाफ हाफ है। तो इंडिया की तरफ जो है मतलब कौन कौन से जानवर मिलते हैं इधर? यहाँ पे आपका 60 स्पीशीज का मेमल्स मिलता है, जो काजीरंगा में भी नहीं मिलता है। अच्छा, 60? ओनली 35 स्पीशीज काजीरंगा में मिलता है। अच्छा, 60 स्पीशीज मिलता है। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब मान लीजिए कोई टूरिस्ट अगर मानस में जा रहा है तो उसको क्या क्या बहुत आराम से दिख जाता है? जैसे बफेलो दिख जाएगा? अभी तो हाथी तो आपको आराम से मिलेगा, हाथी आराम से, बफेलो मिलेगा, इंडियन गोर मिलेगा, सांबर मिलेगा, कैप लेंगूर मिलेगा, वाइल्ड गोर मिलेगा, सांबर, स्वाम डियर। एक जो चीज़ है यहाँ पे सिर्फ यहीं पे पाया जाता है, पिग्मी हॉक। हाँ, पिग्मी हॉक, और रियर है, रियर है, कभी कभी मिलता है उसको, इतना मतलब रेगुलर सेटिंग नहीं होता है। टाइगर का भी ऐसे मतलब इतना रेगुलर सेटिंग नहीं होता है, मतलब हफ्ता में एक बार, कोई 3-4 दिन में एक बार ऐसा सेटिंग होता है। लिपर्ड का, और ब्लैक पेंथर है, क्लाउडी लिपर्ड है, फिशिंग कैट है, गोल्डन कैट है, मतलब 8 स्पीसीज कैट फीमेल है हमारा यहाँ पे। पिग्मी हॉक तो मतलब कि एकदम एक्सटेंशन पे चला गया है एकदम, लेकिन फिर से वापस कुछ किया है आप लोगों ने ना, कि फिर से वो मतलब दिख रहे हैं आप? हाँ जी, मतलब उसको अलग अलग इंजोनी किया है यहाँ पे, एक गौतम नारायण बोल के एक उन्हें पिकमियों का ये क्या कैप्टिव ब्रीडिंग किया है। अच्छा, कैप्टिव ब्रीडिंग गुवाहाटी में किया था, यहाँ से पकड़ के लेके गया वो। अच्छा, माना से गुवाहाटी में कैप्टिव ब्रीडिंग, बोकिस्तों में कैप्टिव ब्रीडिंग करके, और फिर से ये आपका कोविड 19 का जो समय था वो अप्रैल में रिलीज किया है वो। अच्छा,
तो यहाँ पे बेसिकली एक जो जानवर है ना वो बिल्कुल चूहे के जैसा होता है, छोटा सा, उसको पिग्मी हॉग बोलते हैं। तो ये एक्सटेंशन जो लिस्ट होती है उसमें रेड जोन में चला गया है, ना के बराबर। लेकिन फिर से कई लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया, जैसा कि बता रहे हैं कि कई एनजीओ ने प्रयास किया, तो उसकी वजह से फिर से वो अब दिखने लगे हैं थोड़े बहुत। हमारा जो मूवमेंट हुआ, हमारा राइट के लिए मूवमेंट हुआ था, लेकिन एक्चुअली आप लोगों का तो मूवमेंट ये था ना कि अलग स्टेट चाहिए बोडोलैंड। वही वही हमारा स्टेट चाहिए, मतलब हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज वो उसको रख पाइए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब मूवमेंट चला था तो स्टेट को मूवमेंट से कोई भी गाँव में लड़का नहीं रह सकता था, उसको जो असम पुलिस है डायरेक्ट देखने से शूट करता था उस टाइम। अच्छा। जब मूवमेंट चल रहा था तो आधा लोग कुटन भी गया, तो आधा लोग मतलब ऐसा ही गांव में, सॉरी जंगल में, मतलब ऐसा ही रहा। तो इसकी वजह से पूरा ये हो गया था। अच्छा। और जो स्कोप हंटर है वो लोग तो पूरा राइनो मारा, लॉगिंग किया, वो बाहर से आके फिर पैसा दिया, पैसा भी चाहिए था ना उस टाइम पे, मूवमेंट भी चल रहा था। हाँ, वो मूवमेंट के फंडिंग के लिए पैसा लेते होंगे, उसके बदले मारते होंगे। हाँ जी, वही ऐसा ही चल रहा था। बोडोलैंड मूवमेंट जो है अब है या टोटली खत्म हो गया? अभी तो खत्म है। हाँ नहीं, मतलब ऑफिशियली तो खत्म ही हो गया, अंदर अंदर कुछ है या अभी तो नहीं है? क्योंकि दो, अभी तीन एग्रीमेंट हो गया हमारा। पहले बीएससी हो गया, इसके बाद बीटीसी, अभी बीटीआर हो गया। बीटीआर क्या है? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। अच्छा, रीजन, ये तो ऑटोनोमस रीजन बना दिया ना आप तो ये। हाँ, पीटीसी से और रीजन बना दिया। जैसे है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल शायद है। हाँ जी, तो उसके तहत असम में मेरे ख्याल से 5-6 है ना, गारो भी है, खासी भी है, असम मेघालय सब मिला के। हाँ जी, नहीं सही है, तो मतलब आप टोटली मतलब खत्म है अभी तो, थोड़ा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खत्म है अभी। ये पिछले ये 2020 में वो जनवरी में पूरा ये हो गया, हो गया था, जो लास्ट में एनडीपी लोग था, वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से और एग्रीमेंट हो गया। तो मतलब कि कुल मिला के ये है कि मानस को कंजर्व करने में सबसे पहले लोग आप ही लोग थे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर तमाम लोग आए, और जब बोडो मूवमेंट खत्म हो गया, फॉरेस्ट वाले उसके बाद आए। हाँ जी। अच्छा, उसके पहले वो तो हमको बुलाना लेके बुला के लेके आए। तो हमारा जो पहले का लीडर लोग था वो लोग ने मतलब वो डायरेक्टर को मिल के बुला के लेके आया। उस टाइम में तो बुड्ढर था, वो भी हाथ में ऐसा रिवॉल्वर लेके आया था वो भी। नहीं, वो तो खैर बोडोलैंड के टाइम में तो मतलब मूवमेंट भी चल रहा था ना, मार देते थे लोग, तो मारते भी तो थे। नहीं, वो मारते तो नहीं ज्यादा, मतलब वो मीडिया वाला पूरा ज्यादा ये अच्छा ज्यादा हाइप कर दिया। हाँ, हाँ जी। लेकिन देखिए किलिंग्स तो होती थी, किलिंग्स तो होता था, हमने भी तो न्यूज वगैरह में पढ़ा ही है। मतलब किलिंग्स होता था, कैसा किलिंग्स होता था, कोई शर्पी पलब से, कोई आर्मी पलब से, वो तो होता था। लेकिन पहले तो ये भी था ना कि असम में जैसे बोडोलैंड का मूवमेंट हो गया, उल्फा हो गया, तो हिंदी स्पीकिंग पीपल को थोड़ा वो निशाना बनाते थे, खास करके बिहारियों को, झारखंड के लोगों को मारते थे वो। आप अपने एनजीओ के मतलब यहाँ पे जैसे मानस को बचाने के लिए आपका जो एनजीओ है MMES, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मानस मौजिगेंद्री इकोटूरिज्म सोसाइटी। मानस मौजिगेंद्री इकोटूरिज्म सोसाइटी। ये मौजिगेंद्री क्या है? मौजिगेंद्री एक मतलब एक एरिया का नाम है, लेकिन इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करेगा तो ऐसा है, इसका मौजी मीन्स कैट है, गेंद्री मतलब बड़ा पेट, बिल्ली। अच्छा, बिल्ली। हाँ। और मौजी मतलब बिल्ली। हाँ जी। और बिल्ली का बड़ा पेट। हाँ, मतलब अच्छा। वो एक हिस्ट्री है यहाँ पे। अच्छा, क्या है हिस्ट्री? पहले यहाँ पे एक डोंगसा उजीर बोल के छोटा सा मतलब रूल करता था, वो किंग, किंग मतलब किंग। हाँ, डोंगसा उजीर बोल के, उसका एक काम करने वाला एक लड़की था सरफेन, जो देखने में वो खराब है, उगली है, उसका पेट बड़ा है, वो काम करने में बहुत एक्सपर्ट था। वो डोंगसा उजीर उसको बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए उसको बहुत प्यार करता था। तो उसको प्यार से मतलब मौजी गिंद्री बोलता था। अच्छा। तो एक दिन वो जब वो डोंगसा उजीर का कपड़ा एक स्ट्रीम पे ठूने ले गया, यहाँ पे थोड़ा आगे में है स्ट्रीम। अच्छा, वो स्ट्रीम है। हाँ। तो उस टाइम पे उसको कुछ मिर्गी जैसा बीमार हुआ, तो वो पानी में गिर के मर गया। मर गई। हाँ। अच्छा। तो वो डोंगसा उजीर ने वो एरिया का नाम ही मतलब उसका नाम से रख दिया, इससे हमारा भी मतलब इसलिए मौजिगेंद्री रखा। नहीं, बहुत अच्छा नाम है ये तो, बिल्कुल अलग है। तो ये MMES जो है आपका एनजीओ जो, तो मतलब आप लोगों ने कैसे इसको शुरू किया, और मतलब पूरी एक जो थोड़ी कहानी है आप लोग बताइए कैसे। मतलब यहाँ पे ऐसा ये शुरू हुआ, जब हमारा जब बोडो का मूवमेंट चल रहा था, तो
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारा एक्सट्रीमिस्ट लोग था उन लोग के एक पीस टॉक होके मतलब एग्रीमेंट हुआ था बीटीसी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो पहले का जैसा माहौल था वो मतलब थोड़ा अच्छा नहीं था। नहीं पहले तो मतलब पहले खराब था, बहुत खराब था। बीटीसी तो 2003 में बना शायद ना। हाँ, 2003 में। वही तो मतलब पहले से मतलब वो टॉक चल रहा था ना, टॉक चल रहा था। तो उसमें थोड़ा सा पीस आया तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोकलाबारी सफागरी आंचलिक एप्सू बोल के एप्सू। तो उन लोगों ने पहले सोचा ये जंगल तो खत्म हो गया तो इसको फिर से बसाना है क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बिल्कुल। तो इसमें यूनेस्को ने इसको एक रेड लिस्ट डाला था क्योंकि वो बोडो मूवमेंट के वजह से उसको फॉर द बोडो हेजिटेशन बोल के उसको रेड लिस्ट में डाला है। तो उसको ये तो हमारा पूरा जाठी का ही बदनाम हो गया ना। तो इसको हटाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इनिशिएटिव लिया पहले 2000 में वो उसको इनिशिएटिव लिया। तो जितना भी फ्रेंड्स विलेज में शिकारी लोग हैं पेड़ काटने वाला है उन लोगों का घर घर में जाके उन लोग को पहले समझाया। अच्छा, सबके घर घर में जाके आपने बताया कि जंगल अगर खत्म हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा और इसको क्यों चाहिए। तो इसे में कोई कोई समझ में आकर वो लोग जो पोचिंग है उसको छोड़ दिया, जो गन है हैंडमेड गन उनको मतलब ऑफिस में वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में सरेंडर किया। अच्छा, सबके घर में जो मतलब लोकल गन थे वो सबको सरेंडर करवा लिया। सबके घर में नहीं, जो लोग कोचिंग के पास थे। उन लोग के पास था तो उसको सरेंडर करवाया। इसके बाद फॉर्मली हमने जब 2003 में हमारा ये हो गया एमएमएस हो गया 2013 दिसंबर में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको एक एनजीओ बना के दे दिया। अच्छा, मतलब ये स्टूडेंट ने जो मानस को बचाने का काम शुरू किया था उन्हीं स्टूडेंट्स ने मिलके ये एमएमएस बनाया। हाँ जी, हाँ अच्छा जी, हाँ, उसको मतलब अलग से मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो अलग काम है तो इसको चलाने के लिए एमएमएस को बना के दे दिया। मतलब कि स्टूडेंट यूनियन का अलग काम है तो इसको बचाने के लिए एक अलग एनजीओ बना दिया। अच्छा, तो मतलब कि जो मतलब लड़के हैं जो यंग जनरेशन है वो पूरा उन्होंने ही इस एमएमएस को बनाया था। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया उस टाइम पे 200-250 भी ज्यादा एक्सपोजर लोग को सर्टिफाई करवाया। इसके बाद जो भी ट्रेडिशनल हंटिंग होता था तो गाँव में जाके अवेयरनेस किया, उन लोगों को मतलब जंगल के बारे में बताया कि वो इम्पोर्टेंट है, अगर जंगल नहीं होगा तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगा तो हम खेती कैसे करेगा, खेती नहीं होगा, लोग ऐसा समझा के उन लोग को थोड़ा ये करना पड़ा। तो शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत शुरू में। तो जब भी हम लोग अंदर में जो पेड़ काटने वाला मिलता था उन लोगों को कभी कभी पिटाई भी करता था, जो नहीं मरता है तो उनका गाँव में हम जा नहीं सकता था। अच्छा, जब आप लोग पीटते थे गांव में, गांव में नहीं जा सकते, फिर आपको मारते हैं। हमको तो गांव में मिलेगा तो मारेगा, छोड़ेगा नहीं, ऐसा था। एक चीज यहाँ पे आप लोग गौर करिए कि मतलब इस तरह की जगहों पे जब आप घूमने आते हैं ना, जैसे मानस नेशनल पार्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एमएमईएस यहाँ पे जो भी काम कर रही है और जो मैं जहाँ पे ठहरा हूँ, तो कोशिश करिए कि ऐसी ऐसी जगहों पे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आके रुकिए, थोड़ा सा इनको भी हेल्प हो जाएगा क्योंकि ये लोग अच्छे चीज के लिए काम कर रहे हैं। आप मतलब होटल्स वगैरह में जाएंगे वो तो मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही उनका मकसद है, जब तक जंगल है उससे वो पैसा कमा रहे हैं, जब जंगल खत्म हो जाएगा वो समेट के अपना चले जाएंगे। लेकिन ये लोग जो हैं जो इस तरह के एनजीओ और जो काम करते हैं ग्राउंड पे लोग, तो ये यहीं रहेंगे। आपने सुनी कहानी कि कैसे मतलब जब सब कुछ खत्म हो गया था तो इन लोगों ने, यहाँ के यूथ ने खास करके, इस पूरे जंगल को बचाया, और अब जब ये जंगल बच गया तो इससे जो मतलब टूरिज्म डेवलप हुआ है उसका फायदा कोई और ले रहा है। तो ठीक है, वो भी हाँ वो भी मतलब ठीक है, लेकिन कम से कम आप इतना करिए कि जब आप आइए तो कम से कम यहाँ ठहरिएगा तो लोगों को फायदा होगा और लोकल लोगों को फायदा होगा। तो मैं जिस जगह पे ठहरा हूँ ये जगह जो है दूसरी तरफ है, यहाँ पे टूरिस्ट ना के बराबर या बहुत कम आते हैं। जो मेन जगह है, जैसे आप किसी भी नेशनल पार्क में जाते होंगे तो देखते होंगे बड़ा सा गेट लगा हुआ है, उस गेट पे लिखा होता है कि फलाना नेशनल पार्क। तो वो जो जगह है कौन सी बाड़ी, क्या नाम है उसका? बांसबाड़ी। यहाँ से कितनी दूर है वो? यहाँ से 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। तो बांसबाड़ी जो है वो मानस के दूसरी तरफ है, और अभी मैं जहाँ पे हूँ ये दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब बहुत कम टूरिज्म है यहाँ पे। वो इसलिए है क्योंकि जिसको अलग एक्सपीरियंस लेना है सिर्फ वही आता है, और वहाँ पे मतलब वही भीड़ भाड़ वाली जो जगह है, मतलब बाकी होटल्स वगैरह सुविधाएं जो है।
बाकी मैं यहाँ पे जो भी लोग हैं उनका नंबर अपने वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग नंबर देखिएगा। ठीक है, तो रुस्तम जी का कार्ड मैंने ले लिया है, तो रुस्तम जी का नंबर और जिमी का नंबर जो भी नंबर है मैं आप सारे वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग जी। ये काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, तो मतलब रुस्तम जी से जो भी बातचीत हुई काफ़ी चीज़ें मतलब जानने को मिली मुझे, खास करके मानस नेशनल पार्क के बारे में और इतने साल से ये लोग काम कर रहे हैं। तो लास्ट में मैं तो इतना ही कहूँगा अपनी तरफ से कि अगर आप कभी भी मानस नेशनल पार्क घूमने आते हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए कि इस तरफ आके MMES का जो कैंप है आप यहाँ पर रुकिए, मतलब आपको यहाँ पे अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि भीड़ तो बिल्कुल नहीं है, आपने देखा ना मैंने दिखाया कि कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो इक्का दुक्का टूरिस्ट होंगे यहाँ पे, आपको बिल्कुल हाँ शांत और सुकून भरा एक वातावरण मिलेगा और साथ ही इन लोगों की कुछ सहायता होगी जो पूरे जंगल को बचाने के काम में लगे हैं। तो ठीक है रुस्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात, थैंक यू, हाँ ठीक है, मुलाकात होगी फिर। इस पर मेरी लड़ाई इस मोड़ पे लाई आशिकी।